जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं गौरव एक बार फिर से आप सभी का अन अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और साथियों, मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट करके एक बार बताएं कि क्या आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताएं, क्योंकि डेली लगभग साउंड का इशू रह ही जाता है। मैं कई बार पूछना भूल जाता हूँ, चेक करना भूल जाता हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत रह जाता है। तो आज मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कमेंट करके कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या, ऐसा तो नहीं कि डेली के तरीके से। चल, हमने जैसा कि आपसे बात की थी कि हम अभी CHSL में हुए एग्जाम्स के सारे शिफ्ट को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हम आपके साथ CHSL वाले ही तीनों शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। आज का जो शिफ्ट का डेट है वो है साथियों 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को जो 3 शिफ्ट में CHSL का पेपर हुआ है उस शिफ्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं 16 अप्रैल को। और इस तरीके से हम धीरे धीरे सारे शिफ्ट आपके डिस्कस कर चुके होंगे और आपको एक समझ विकसित हो जाएगी कि SSC किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है। और ये दिमाग से हटा दीजिएगा कि CHSL में आया है तो CHSL में ही आएगा, ये CGL में आया तो CGL में आएगा, ये NTPC यदि रेलवे DSSB या SSC या बैंकिंग जहाँ भी TCS एग्जाम लेगा, सब्जेक्ट जो रहेगा लगभग उसी क्वेश्चन को फॉलो करेगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपको कई सारे एग्जाम में फायदा देने वाला है। चले, स्टैटिक जीके की बुक हम आपको फाइनली अक्टूबर में देने की स्थिति में होंगे। इस बार लगभग काम फाइनल करने की स्थिति में है हम। चलें, पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन इज फोर्ट सेंट लुइस वाज ऑफ फोर्ट दैट स्टूड इन द पॉन्डिचेरी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। किसका फोर्ट था? ऑप्शन है फ्रेंच का, डेनिश का, डच का और ब्रिटिशर्स का। आप जानते हैं कि 1701 में इसे बनाया गया था, जिसे 1761 में ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 1761 में अंग्रेजों ने इसे समाप्त कर दिया। तो ये तो पक्का हो गया कि अंग्रेजों का नहीं रहा होगा, किसी और का रहा होगा। तो अब आपको बताना है किसका था। यदि आप इस प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं तो आपकी हिस्ट्री की समझ बेहतर है, नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। इट वॉज द फ्रेंच फोर्ट जो हमने कहा कि 1701 में बनाया गया और इसे अंग्रेजों ने 1761 में डिस्ट्रॉय कर दिया। पुडुचेरी में था ये। चल, 2 दिन का PDF नहीं डाला है, सॉरी, आज डाल देंगे 3 दिन का, भूल जाते हैं यार, आज पक्का डाल देंगे। इज अ प्रोसेस ऑफ एलोइंग पार्टिकल्स इन सस्पेंशन इन वाटर टू सेटल आउट द सस्पेंशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। पानी में निलंबन में कणों को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में निलंबन से बाहर निकलने की अनुमति देने की प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि हम बचपन में पढ़ते थे कि वे एरिया जहाँ पे पानी साफ ना हो, तो पानी के साफ करने के लिए हम लोग कई सारे प्रोसेस का इस्तेमाल करते थे, रेत और इस तरीके से, और इस तरीके से हमें एक प्योर पानी मिल पाता था। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, या अलग करने की प्रोसेस, निलंबन को, सस्पेंशन से को क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन, डिकेटेशन, सेडिमेंटेशन, डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन, आसवन, अवसादन, विघटन या निस्पंदन। बताइए, ऑप्शन चीख के कह रहे हैं कि मैं ही हूँ आंसर। आप देखते होंगे कीचड़ का बनना, रेत का नीचे उठ जाना, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। बताइए, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द सेडिमेंटेशन, अवसादन। जैसे कोई बालक बता रहा है कि नमक भी इसी प्रोसेस से बनाते हैं। डिस्ट्रो अलग करना अपने आप में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक इंडोमेबल स्पिरिट। निम्नलिखित में से किसने इंडोमिटेबल स्पिरिट के बारे में या अदम्य साहस
की बुक के बारे में लिखा है। अमर्त्य सेन, एस राधाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम और रघुराम राजन, बताइए क्या नाम है इनका? एपीजे अब्दुल कलाम, रघुराम राजन या अमर सेन या राधाकृष्णन? तो आप जानते हैं कि ये बुक किसने लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। इसका फ्रंट पेज ही कहता है कि राष्ट्रपति कलाम के मूल्यों, विचारों और विमर्शों ने एक ऐसा आधार तैयार किया जिसने भारत के लिए एक अदम्य आत्मा, एक बेहतर पर्सनालिटी को जनरेट किया। इट इज द बुक ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। चले, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द एसोचम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड इन दिसंबर 2020? दिसंबर 2020 में एसोचम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे दिया गया? आप जानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था और ये अवार्ड हमने एक आइडियल इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकते हैं, एक बेहतर इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकते हैं, रतन टाटा जी को दिया गया है। चलो, रतन टाटा। Which of the following city of Madhya Pradesh were included in the list of UNESCO World Heritage Sites under the Urban Landscape City Program in December 2020? Madhya Pradesh निम्नलिखित में से या मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस शहर में दिसंबर 2020 में अपने शहरी परिदृश्य शहर कार्यक्रम के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर शासकों की सूची में शामिल कर दिया गया? आप जानते हैं कि अब हमारे पास जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए वो हो गए 40, तो इसमें से कौन सा एमपी का हमने शामिल किया था? भोपाल और उज्जैन, ग्वालियर और उड़छा, सतना और भोपाल, उज्जैन और सतना। ऑप्शन ही चीख के कह रहा है कि हम ही हैं आंसर, बताइए। हमने बताया था कि टेम्परेरी बेस पर हमने कुछ जगहों को शामिल किया था, हालांकि उनमें से परमानेंट में किसी को नहीं शामिल किया गया। दैट इज द ग्वालियर एंड ओरछा। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक अपॉइंट द इंफोसिस फिनेकल टू पावर इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन नवंबर 2020? निम्नलिखित में से किस बैंक ने नवंबर 2020 में अपने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए इंफोसिस फिनेकल को नियुक्त किया है, बताइए। ऑप्शन है डीबीएस, एचएसबीसी, एडीबी, जैक बैंक, बताइए। आप जानते हैं कि ये एक मंगोलिया का बैंक है जिन्होंने अपने टेक्नोलॉजी में अपडेट करने के लिए, बैंकिंग संचालन को मजबूत करने के लिए, डिजिटल इनोवेशन को लाने के लिए इन्होंने इसको इन्वॉल्व किया है। तो कौन सा साथियों? इट इज द जैक बैंक। जैक बैंक इज द अफ्रीकन बैंक, इज द मंगोलिया बैंक। द लखनऊ पैक्ट ऑफ दिसंबर 1916 वाज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड, हमने पढ़ा था कि 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था ये दो लोगों के बीच में हुआ था, एक गरम दल नरम दल के बीच में जो मतभेद था वो खत्म किया था। आपने पढ़ा था कि 1907 के सूरत स्प्लिट में कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी, और दूसरा पहली बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक कॉमन मीटिंग होती है और एक कॉमन एजेंडा जनरेट होता है कि हाँ, मिलजुल करके देश की आजादी में सहयोग करेंगे। तो ऑप्शन वाइज क्या होगा साथियों? इट इज अ मुस्लिम लीग। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? आप जानते हैं कि जैसे ऊंचाई बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाता है, और सी लेवल हमारा बेस लेवल कह सकते हैं, जहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एग्जैक्ट आइडियल। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ये कम होता चला जाएगा, जैसे माउंट एवरेस्ट पर यदि जाएं तो वहां पर 68 डिग्री ही रह जाता है। तो हम या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह लें या 212 डिग्री
फॉरेन हाइट कह लें, और ये हमने कहा कि माउंट एवरेस्ट पे पूछते तो आपका 68 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता या 154 डिग्री फॉरेन हाइट हो जाता। तो यहाँ पर सेंटीग्रेड में दिया है तो आंसर इज द 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक अच्छा आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो कर लेते आप। चल, विच इंडियन होल्ड्स द ओलंपिक रिकॉर्ड ऑन मार्च 2021 फॉर द मोस्ट गोल स्कोर्ड बाई एन इंडिविजुअल इन अ ओलंपिक मेन्स हॉकी फाइनल। ओलंपिक हॉकी फाइनल में किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए सर्वाधिक गोल के लिए मार्च 2021 तक ओलंपिक रिकॉर्ड किस भारतीय के नाम है? बताइए, हम आपको बता देते हैं कि इन्होंने भारत को नीदरलैंड के खिलाफ 3-1 से, ब्रिटेन के खिलाफ 3-1 से या नीदरलैंड के खिलाफ 6-1 से जीत दिलाई है, और ओलंपिक में सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। ऑप्शन है ध्यानचंद, अजीत पाल सिंह, दलबीर सिंह, धनजोत और धनराज पिल्लई। बताइए, व्हाट इज द आंसर? चले, सभी लोग गलत जवाब दे रहे हैं। हम सबको लग रहा होगा ध्यानचंद है, लेकिन ध्यानचंद जी नहीं है, दलबीर सिंह दोसब जी हैं, बलबीर सिंह दोसब जी। ओलंपिक में ध्यानचंद के पास नहीं है सर्वाधिक रिकॉर्ड बनाने का, ओवरऑल है रिकॉर्ड, लेकिन ओलंपिक में इनके पास नहीं है। चल, वेस्ट बंगाल, जानबूझ के यहाँ मेजर ध्यानचंद जी का ऑप्शन दिया गया है। वेस्ट बंगाल्स फर्स्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व द बंगाल बेसिन डेडिकेटेड टू द नेशन ऑन 20 दिसंबर 2020, इट इज द विच नंबर ऑफ ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग बेसिन इन इंडिया। पश्चिम बंगाल का पहला तेल और गैस भंडार बंगाल बेसिन 20 दिसंबर 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह भारत का तेल और गैस उत्पादक में कौन से नंबर का बेसिन है? 6th, 7th, 8th एंड 5th, छठा, सातवां, आठवां और पांचवा, कौन से नंबर का है बताइए। आप जानते हैं कि ONGC के नेतृत्व में ये बनाया जा रहा है, और ONGC के द्वारा अब तक भारत में कुल 8 बेसिन एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। ओंग एंड टेल आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? बताइए, ये भी हम पढ़ चुके हैं, किस नदी की सहायक नदी है? महानदी, कावेरी, गंगा, कृष्णा, बताइए किसकी सहायक नदी है? उड़ीसा से संबंध है इसका, अब तो बता दीजिए। तो किसकी सहायक नदी साथियों? महानदी की, ओंग और टेल। हु वाज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एज ऑफ जनवरी 2021? आप जानते हैं कि आर्टिकल 76 कहता है कि भारत में एक अटॉर्नी जनरल होगा और उनके हेल्प के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होंगे। तो हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है अभी साथियों? अटॉर्नी जनरल हैं KK वेणुगोपालन, तो ये तो होंगे नहीं। तो प्रश्न है कि सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो कौन है साथियों सॉलिसिटर जनरल? तुषार मेहता। तुषार मेहता। नुआखाई इज द ग्रेटेस्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा, सेलिब्रेटिंग ऑन द डे आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल? नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई त्यौहार है जो निम्नलिखित में से किस त्यौहार के बाद मनाया जाता है? बताइए, आप जानते हैं कि ये दिवस आने वाला है, 11 सितंबर को इस साल हम ये दिवस मनाएंगे गणेश चतुर्दशी के बाद। चल, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले भी TCS ने पूछा हुआ है क्वेश्चन। चल, दिस क्वेश्चन इज
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, किस प्रकार की खेती को जलाओ और या ऐसे कहो कि, ऑप्शन दिया है प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग, निर्वाह कृषि, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, गहन निर्वाह कृषि, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। आप जानते हैं कि आज भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में ये किया जाता है, जिसको हम सामान्य बोलचाल में एक टर्म यूज करते हैं, मेरे दिमाग में आने रहा वो टर्म, मतलब जलाइए और फिर कुछ समय बाद वापस आइए और फिर खेती कीजिए, इस तरीके का कहा जाता है। और एग्जैक्ट नाम किसी को क्या नाम इसको हम बोलते हैं, किसी को आता हो या तो आप बोल सकते हैं, झूम, यस झूम खेती, प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग। ये तब किया जाएगा जब कहीं पर टेक्नोलॉजी का अभाव होगा, तकनीक का अभाव होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट काली टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड, देख लो ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार किए हो गया। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, हम आपको क्लू दे रहे हैं, कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में है ये, बंगाल टाइगर, पैंथरस टाइगर जैसी चीजों के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, असम। तो कन्नड़ कहाँ, कर्नाटक। जोग फॉल इज द मोस्ट थ्रिलिंग स्पेक्टेकल इन द इंटायर वेस्टर्न रीजन ऑफ, जोग प्रकार प्रताप जलप्रपात पूरे पश्चिमी क्षेत्र में सबसे रोमांचकारी तमाशा, मत कहिए रोमांचकारी प्रदर्शन है, तमाशा वर्ड गलत हो जाएगा, तो ये किस राज्य में बताइए। तो ये तो मतलब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हर पेपर में पढ़ते होंगे कि जोग प्रकार प्रताप या जलप्रपात किस राज्य में है। एक समय था जब हम इसको सबसे बड़े जलप्रपात के नाम से जानते थे, सबसे ऊंचे जलप्रपात के नाम से। कौन सा राज्य साथियों, कर्नाटक। विंग्स ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, अब ये मैं आप में से उसका बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा हो जब आप बड़े हो रहे थे, तब ये बुक काफी पॉपुलर थी APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा। चलो इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एवर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड A0 वॉज लॉन्च, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया। आप जानते हैं कि इसे चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड बार्डरी के द्वारा बनाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी इन्हीं लोगों के नाम से मिलाकर के बनाया गया था। तो बताइए कब लाया गया था ये, तो कब लाया गया था साथियों, 1983। अभी अपने आप में एक टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं, मतलब फालतू क्वेश्चन भी बोल सकते हैं हम इसको। चलिए JPEG इज अ कॉमनली यूज मेथड टू लॉसी कंपेरिजन ऑफ डिजिटल इमेज, वट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG, हम जनरली सामान्य बोलचाल में JPEG बोल देते हैं, JPEG है। आप कई सारे आजकल व्हाट्सएप पे भी यूज करते हैं इस फिगर का, हमें भी आपको कुछ सिखाना होता तो JPEG इमेज का इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग बुक ऐप के लिए डिक्शनरी ऐप बना रहे हैं उसमें भी JPEG का यूज किया गया है। तो ये पहली बार 1972 में इसे फाइनली बनाया गया। तो प्रश्न है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। चलिए क्या फुल फॉर्म है साथियों, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप्स, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। एज ऑफ जनवरी 2021 हाउ मेनी स्टेट हैव द अपर हाउस कॉल्ड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जनवरी 2021 तक कितने राज्यों में उस सदन को राज्य विधान परिषद कहा जाता है, यानी कुल कितने राज्य हैं जहां पर अपर हाउस है अभी। आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 168 में लेजिस्लेटर स्टेट लेजिस्लेचर का जिक्र है, जहां पर 169 में लेजिस्लेटिव काउंसिल का जिक्र है, और अभी साथियों ये हमारे सिर्फ पहले 7 था, अभी 6 स्टेटों में ही रह गया है। कब पूछा गया है, जनवरी 2021 तक। तो 6 स्टेट कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। चल सकेवा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। सकेवा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है? पंजाब, असम, सिक्किम, गोवा। बताइए सकेवा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है? पंजाब, असम, गोवा और सिक्किम। आपको याद हो ये भी हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पर धरती माता के पूजने के लिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पर वहाँ लोकल लैंग्वेज में चांटी पूजा के नाम से भी हम जानते हैं। तब चांटी पूजा कहाँ होता है? पंजाब में, असम में, सिक्किम में, गोवा में। तो कहाँ मित्रों? इट इज इन सिक्किम। चल एज पर बेसल थ्री, बेसल नॉर्म्स है जो भारत में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए चलाया जाता है। तो पूछ रहे हैं बेसल थ्री के अनुसार अ ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मोर रेसिलेंट बैंक एंड बैंकिंग सिस्टम रिलीज्ड इन दिसंबर 2010। बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड अ कैपिटल कंजर्वेशन बफर ऑफ द रिस्क वेटेज एसेट इन द फॉर्म ऑफ कॉमन इक्विटी ऑफ विथस्टैंड फ्यूचर पीरियड्स ऑफ द स्ट्रेस। सिंपल सा मतलब है कि बैंक को सामान्य इक्विटी के कितने परसेंट हिस्से अपने रिस्क फैक्टर को मेंटेन करने के लिए कम से कम रखना ही चाहिए। तो प्रश्न जवाब है 0.25, 1.6%, 3.2 और 2.5%। तो क्या होगा साथियों इसका आंसर? दैट इज ए 2.5%। ये आपके, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि आप इस तरीके के क्वेश्चन भी कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आया है तो हमें जानना चाहिए। विच टू इंडियंस बिकम द फर्स्ट पेयर टू रीच द फाइनल ऑफ ग्रैंड स्लैम्स इन अ ईयर इन द ओपन एरा विनिंग फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन एज ए टॉप सीड्स। कौन सी दो भारतीय ओपन युग एक वर्ष में सभी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाली पहली जोड़ी बनी जिसने फ्रेंच ओपन और विंबलडन को शीर्ष वरीयता के रूप में जीता? अब ये तो आप कर ही लोगे। पहली भारतीय जोड़ी 1996 में इन्होंने ये मतलब उपलब्धि हासिल की थी। बताइए लिएंडर पेस और महेश भूपति, यूकी भावरी और लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना और महेश भूपति, रोहन बोपन्ना और यूकी भावरी। बताइए, ये तो आप सभी को पता होगा। आप जानते हैं कि इन दोनों ने मिल करके 1999 में चारों ग्रैंड स्लैम में प्रवेश, फाइनल में प्रवेश कर लिया था। हालांकि दो में जीत भी इन्होंने हासिल कर ली थी, ये वो दौर था इनके लिए। लिएंडर पेस और महेश भूपति। इन दिसंबर 2020 काइले कोटजर वाज ऑनर्ड विद द आईसीसी एसोसिएट प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द रिप्रेजेंट। दिसंबर 2020 में काइल क्वेटजर को आईसीसी एसोसिएट्स प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? बताइए दिसंबर 2020 में काइले क्वेटजर आईसीसी एसोसिएट्स प्लेयर ऑफ द क्रिकेट डिकेड अवार्ड दिया गया, वो किस देश से संबंध रखते हैं? थोड़ा सा भी कल के पेपर में भी था, याद करो ये क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन, और शायद मुझे लगा सीजीएल में भी ये क्वेश्चन आया है। तो ही इज फ्रॉम, बताइए, कुछ बच्चे ने सही जवाब दिया, दैट इज स्कॉटलैंड। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ NDMA हैज लॉन्च अ फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर गुवाहाटी टू अलर्ट लोकल अथॉरिटीज अबाउट फ्लैश फ्लड और एनी हैवी रेनफॉल इन अगस्त 2020। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDMA? ऊर्जा और संसाधन संस्थान NDMA ने अगस्त 2020 में स्थानीय अधिकारियों को अचानक आने वाली बाढ़ या किसी भी भारी वर्षा के बारे में सचेत करने के लिए गुवाहाटी के लिए एक बाढ़ पूर्व चेतावनी शुरू की है। NDMA का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, आप जानते हैं कि NDMA ही देश में इस तरह के डिजास्टर से बचने के लिए कार्य करता है। आप जानते हैं
एनडीए में 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार के द्वारा पार्लियामेंट्री एक्ट ला करके स्थापित किया गया, पूरे देश में डिजास्टर को मेंटेन करने का यही काम करते हैं। तो इट इज अ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो ये 16 अप्रैल का पहला शिफ्ट था, अब आ जाइए सेकेंड शिफ्ट में। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन डिप्लोमेट इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन इन नवंबर 2020? निम्नलिखित में से नवंबर 2020 में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के रूप में किस भारतीय को चुना गया? तो यह उस समय का पुराना क्वेश्चन हो गया, करंट था आपके लिए पुराना, कभी किसी काम का क्वेश्चन नहीं है। हमें बस ये सीखना है कि इस तरीके की यदि किसी भारतीय को कोई उपलब्धि मिलती है, जब वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई पोस्ट हैंडल करता है, तो हमारे एग्जाम का प्रश्न बनता है, दैट इज द विदिशा मैत्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द सामिया इमाद फारूकी एसोसिएटेड? सामिया इमाद फारूकी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, मुक्केबाजी? टेनिस और मुक्केबाजी, बताइए किस खेल से संबंधित है? आप जानते हैं कि 2017 में ये अंडर 15 में चैंपियन रहे, हैदराबाद की हैं, तो अभी भी 18 साल की हैं। तो किस खेल से संबंधित थी साथियों? तो अब ये क्यों इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं मुझे नहीं पता, सबसे फालतू शिफ्ट कह सकते हैं। देख रहे हो करंट, आप इसको जब मैं करंट का मैटर ज्यादा देता हूं तो आप कहते हो कि सर इतना थोड़ी ना पढ़ना पड़ता है, देख लो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अज्यूम द डीजीपी चार्ज ऑफ अंडमान निकोबार इन दिसंबर 2020? किसने अंडमान निकोबार के जीडीपी के रूप डीजीपी के रूप में पद धारण किया है? कोई आईपीएस अधिकारी होंगे, बताइए। तो आप जाने कि 1997 के बैच के हैं और इनका नाम सतेंद्र गर्ग, निरंजन हीरानंदनी, दीपेंद्र पाठक, सुमन सिन्हा। क्या नाम है साथियों इनका? सतेंद्र गर्ग इज द राइट आंसर। कह रहे हैं कि आप टॉपिक से शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? सीएचएसएल के पेपर ना करवाएं, मंडे से कर देंगे शुरू यदि बोलोगे तो। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन? संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर कब हस्ताक्षर किया था? याद करो, हमने कहा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के उद्देश्य से आज इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। तो क्या हो जाएगा साथियों? 26 नवंबर 1949। एक मिनट, एक मिनट। 26 नवंबर 1949, इसमें क्या है? द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन, संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान को शामिल साइन कब किया? प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को। और एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यह पूछा जाए कि संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन फाइनली इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया था। और ऐसा बताते हैं कि सबसे पहला साइन किसका होना चाहिए था इस पर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, क्योंकि वो चेयरमैन थे, लेकिन नेहरू जी ने सबसे पहला साइन किया। तो यहाँ इस प्रश्न का जवाब ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ये पूछा जाता कि प्रियम्बल को कब साइन किया गया या कॉन्स्टिट्यूशन को कब एक्सेप्ट किया गया, तो आप करते 26 नवंबर 1949। ये पूछा गया कब साइन किया गया, तो लास्ट सिटिंग जो हुई है 24 जनवरी 1950 को ही, और इसी दिन लोगों ने साइन किया है। ये क्वेश्चन अलग है जो हम सोच रहे थे। चल,
इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स प्रोस्पेक्टिव्स ऑथराइज्ड बाय या ऑथर्ड बाय, ये बुक किसने लिखी है? ओम बिरला, मीरा कुमार, शिवराज पाटिल, बलराम झाकड़ी, बताइए किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया साथियों? मिसेज मीरा कुमार, पहली महिला स्पीकर इंडिया की। सबरप्रीत सिंह निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्प्रिट स्टोरीज फ्रॉम 1984, बेचैन आत्माओं की रात 1984 की कहानियां, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, दादा दादी की कहानियों का थैला, 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी एंड अ रॉन्ग फैमिली, कौन सी बुक इनके द्वारा लिखी गई? देख रहे हो क्वेश्चन? तो यदि आपने लिस्ट देखा होगा जो हमने बुक का लिस्ट दिया था, और इसमें जितने मॉडर्न हिस्टोरिकल बुक का जो कैटेगराइज किया था हमने, तो वहाँ पर ये शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे ही था ये 1984। इज अ डीप रेड सॉइल फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ ऑफन डेवलप्ड मैफिक इग्नियस बेड रॉक्स, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली गहरी लाल मिट्टी है जो अक्सर अग्नि आधारशिला पर विकसित होती है, एरिड, पेडोकल, लेटराइट एंड सेलाइन, बताइए कौन सी कैटेगरी की होगी? तो अभी आपको याद हो मंचिंग लंचिंग हमने पढ़ाया था आपको, और उसमें हमने दिखाया था कि किस तरीके से लेड सॉइल से हम क्या बना रहे थे, लेटराइट सॉइल जनरेट हो रही थी। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स वॉज फाउंडेड बाई हरिहरा एंड बुक्का इन 1336। देखे यही क्वेश्चन सीजीएल में पूछा कि विजयनगर की स्थापना 1300 कब की गई थी, सेम क्वेश्चन। यहाँ पूछ रहे हरिहर और बुक्का ने कौन से साम्राज्य की स्थापना की, यहीं पूछ लेते किसके टाइम पीरियड पे की, तो तीनों क्वेश्चन, यानी यदि आप ढंग से पेपर को एनालाइज कर लेते टीसीएस के, तो लगभग क्वेश्चन उसी में से निकाल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक में से ही क्वेश्चन निकालने का प्रयास कर रहे हैं। शायद कल भी ये क्वेश्चन था मुझे जहाँ तक याद है, क्या मैं सही हूँ? कल ये क्वेश्चन था, किसी को याद आ रहा हो? विजयनगर एम्पायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यूजेस कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी होल्स टू द रेप्लिकेट इट सेल्फ, निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर एक छोटा सा हिस्सा है जो खुद को दोहराने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क सुरक्षा के छेद को या प्रॉब्लम को दूर करता है, बताइए। ट्रोजन हॉर्स, एप्लीकेशन, वर्म्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। कल हमने वायरस के बारे में डिस्कस किया था, आज हम उसके प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो बताइए कौन सा होगा साथियों? तो इट इज द वर्म। यदि आप वार्म कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी कब मिली थी? आपने पढ़ा था कि ये अपने आजादी का 50वां सालगिरह मना रहे हैं, इसीलिए हर चीज में भारत ने इस बार इन्हीं को चीफ गेस्ट रखा है, इन्हीं के लिए बहुत कुछ किया है ना। 26 मार्च 1971 की रात को पूर्वी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान से आजादी घोषित कर ली थी, और भूटान 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश था, ये भी क्वेश्चन कभी पूछ ले, 1971। विच इज द फॉलोइंग इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अपघटक है, बताइए। बिल्कुल थोड़ा सा भी आप सेल वाला कॉन्सेप्ट जानते हैं तब भी आप करने की स्थिति में होंगे, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथोनिक एसिड और मैग्नीशियम सल्फेट। तो आप सोच के देखो, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं क्या हम? यदि हाँ बोल रहे हैं तो आप पकड़ सकते हैं आंसर।
In which of the following state was the one district, one product scheme launched in January 2018? निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2018 में एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के द्वारा ये इसकी शुरुआत की गई थी, जहां भारत के सभी राज्यों में सभी जिलों सॉरी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 75 जिलों में शुरू किया गया था। ये क्या कर रहे हैं कि जिस राज्य जिस जिले का जो प्रोडक्ट फेमस है उसको हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक प्रॉपर इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सके। ये एक अच्छा और नया कॉन्सेप्ट लेके आए उत्तर प्रदेश, उस पूरे जिले में उसी खास प्रोडक्ट को प्रमोट करने का प्रयास करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम गारंटेड अ रिस्पॉन्स विद इन स्पेसिफाइड टाइम कॉन्सेंट्रेट? निम्नलिखित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्दिष्ट समय की कमी के भीतर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए, आप RTGS करते होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि किसका यूज करते होंगे हम। तो कौन सा साथियों? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इज कुटक्कल शिवारमन इज एसोसिएटेड? आप मेरा डांस वाला टॉपिक का वीडियो देखना, और वहां पे हमने ये वाला क्वेश्चन कराया था कि कौन व्यक्ति किस पर्टिकुलर डांस से फेमस है, और सेम मुझे लगता है ऑप्शन भी यही रहा होगा, मोहिनीअट्टम, ओडिशी, कथकली और भरतनाट्यम। यही मैं कहता हूँ, जो टॉपिक मैं कराऊंगा उससे बाहर नहीं जाने देंगे। कहां से रिलेटेड है साथियों? कथकली। हु अमंग द फॉलोइंग वोन द मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड ऑफ द फिक्की इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड इन दिसंबर 2020? मेल फिक्की अवार्ड, इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड किसको दिया गया? रोहित शर्मा को, सुशील कुमार, विराट कोहली, बजरंग पुनिया। तो आप जानते हैं कि दो लोगों को ये हमने दिया था एक साथ, पहलवान बजरंग पुनिया और इलोवेल बलवारिन को दिया गया है। तो इस ऑप्शन वाइज क्या होगा? इंडिया का बजरंग पुनिया। चल, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स वोन द ICC स्प्रिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड इन दिसंबर 2020? निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने दिसंबर 2020 में ICC स्प्लिट क्रिकेट ऑफ द अवार्ड का डिकेट अवार्ड जीता है? बताइए, ICC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, बताइए क्या नाम होगा इनका? कल भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, स्प्लिट क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेट क्या होगा साथियों? नमस्कार सर जी, नमस्कार। पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? पेपरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? हम आपको बता देते हैं कि ये किस लिए फेमस है। ये जल ग्रहण क्षेत्र के लिए फेमस है, सबसे ऊंची पहाड़ी चेन जिमोई टुई पर इसका है, यहाँ पर पेम्परा डैम है। और कौन सा राज्य साथियों? इट इज अ केरला। कुंभ मेला 2021 कहाँ पे आयोजित किया गया था? याद करो, करंट वाले में हमने ये डिस्कस किया था, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 2021 में हरिद्वार में इसको आयोजित किया जाना है, हर 12 वर्ष पे होता है। Which of the following metals react with the most carbon dioxide in the air and slowly loses their shiny brown surface and gain the
एज ए ग्रीन कोट। निम्नलिखित में कौन सी धातु हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करती है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देती है और एक हरा स्तर प्रदान करती है? सिल्वर, आयरन, जिंक और कॉपर, बताइए। तो ये तो आप घर में भी आपके पानी पीते होंगे तो आपको याद होगा, हरे कलर का किनारा जम जाता है, तो कौन सा साथियों? दैट इज कॉपर। क्या बना लेता है? कॉपर कार्बोनेट बनाने की वजह से या कॉपर हाइड्राइड बनाने की वजह से ये कलर जनरेट होता हुआ दिखता है। द ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म्ड व्हेन द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन इन अ लेक और डिस्पर्सन इज नोन एज। अब ये तो कर ही देना चाहिए आपको। नदी का जो अवसाद जो सभी दिशाओं में बहते हुए बनाती है, इस निकासी पैटर्न को क्या कहा जाएगा? डेंड्रेटिक, टेरिल्स, रेडियल और सेंट्रिपिटल, बताइए किस नाम से जाना जाएगा? सभी दिशाओं में अवसाद के लिए बहती है। मणिपुर का लोकटक लेक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो क्या है साथियों? सेंट्रिपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन फाइनाइट इंडिया इन दिसंबर 2020 टू केटर द नीड्स ऑफ द फॉरेन कैंपेन लुकिंग टू द एस्टेब्लिश और एक्सपेंड बिजनेस इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत में व्यवसाय स्थापित करने या विस्तार करने की इच्छुक विदेशी कंपनियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिसंबर 2020 में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनंत भारत लॉन्च किया है? ये हमने जिस दिन ऐप और वेब वाला किया था उस दिन हमने ये डिस्कस किया था। हालांकि हमने ये बोला था कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन देखो आ गए। तो पर्टिकुलर कोई बैंक जब इस तरीके की स्कीम को लॉन्च करा तो वो भी पूछ ले रही है। ICICI बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया अनंत भारत, कि आप अपने बैंकिंग के साथ साथ क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यू एडेड सुविधाओं को भी हमारे साथ करवा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर और हाइजेनिक रिलेटेड डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा वाटर या हाइजेनिक या स्वच्छता से संबंधित रोग नहीं है, बताइए? डायबिटीज, ट्रेकोमा, सिस्टोसोमियासिस एंड बुरली उल्कर या अल्सर, बताइए। तो कल भी ये क्वेश्चन आया था कि आंखों से संबंधित कौन सी डिजीज है, तो आपने क्या पढ़ा था? ट्रेकोमा, सॉरी। तो वो पानी की स्वच्छता और इस तरीके की वजह से। डायबिटीज क्यों होता है? शुगर की आप बेहतर जानते हैं। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द स्नैक बोट रेस हेल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर? अगस्त और सितंबर महीने में निम्नलिखित में से किस राज्य में सांप नौका दौड़ आयोजित किया जाता है? ये तो आप कर ही लोगे यार, हमेशा अभी भी अखबार में आना शुरू हो चुका है। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, केरल, तेलंगाना, बताओ। तो कौन सा स्टेट साथियों? इट इज अ केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन 2017-18 एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 2017-18 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जूट का प्रथम उत्पादक राज्य था? पहला बिहार, दूसरा तेलंगाना, तीसरा झारखंड और चौथा छत्तीसगढ़। कल भी हमने बात की थी कि जूट के उत्पादन में पूरे विश्व में कौन सा राज्य देश था, तो बांग्लादेश। स्टेट हमने कहा था वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल तो ऑप्शन में है नहीं, तो वेस्ट बंगाल के बाद कौन से नंबर पे आता है? दैट इज द बिहार। व्हाट इज द स्टेट वाइज प्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर फ्रॉम द गुजरात इन द लोकसभा इन दिसंबर 2020? गुजरात के सदस्यों का राज्यवार प्रतिनिधित्व कितना है यह आपको बताना है। इसको हम ट्रिक से ऐसे याद करते थे कि राजस्थान
क्षेत्रफल में बड़ा है, गुजरात छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादा सीट किसको दिया हमने? गुजरात को। क्यों? क्योंकि बांटते कैसे हैं? जनसंख्या के आधार पर। तो गुजरात की आबादी राजस्थान से अधिक है, इनके पास 26 है, उनके पास सिर्फ 25 ही है। चल, तो ये हमारे दो शिफ्ट हो गए। अब आइए थर्ड और लास्ट शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। देख रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे से भी सीधे सीधे क्वेश्चन, रिपोर्ट से सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहा है। बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में उद्यमशीलता की गतिशीलता सबसे अधिक है? यानी कौन सा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, यह प्रश्न पूछना चाह रहे। तो सबसे अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य करने वाला राज्य कौन सा है इस ऑप्शन वाइज साथियों? तो जहां पर पिछड़ापन ज्यादा होगा वहां पर प्रगति के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इस ऑप्शन वाइज क्या है मित्रों? दैट इज द झारखंड। एज द 1992 समर ओलंपिक द बिकम द फर्स्ट वुमेन टू कैरी द फ्लैग ऑफ इंडिया एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ एनी ओलंपिक। 1992 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एक भारतीय महिला को पहली बार फ्लैग बीरर का दर्जा प्राप्त होता है। कौन सी महिला थी? बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको हमने पढ़ाया था कि जब जब ओलंपिक होता है तो सबसे आगे होस्टिंग कंट्री को रखा जाता है, फिर सबसे आगे हमने किसको कहा था? ग्रीस को कहा था, फिर होस्टिंग कंट्री को, और फिर बाकी को अल्फाबेटिकल कहा था। तो सबसे, और हर देश अपने अपने किसी न किसी को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजता है, इस वजह से हमने महिला पुरुष दोनों को भेजा है। नाम बताओगे? तो शेनी अब्राहम विल्सन। देखें, सभी लोग गलत कर गए, कोई पीटी उषा कह रहा है, कोई कर्णम मलेश्वरी कहता, लेकिन नाम कुछ और है। अब्राहम विल्सन को पहला मौका मिला था। नवंबर 2020 में स्थापित मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत सबसे बड़ी सौर फोटो वोल्टिक पावर प्लांट 5 मेगावाट का स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। कहाँ पर? शिमला में, लेह में, मनाली में, गुलबर्ग में। तो देखो कहाँ पर इस तरीके का प्लांट लगाया जा सकता है। तो कहाँ पर साथियों? हालांकि लगाए तो इसमें सब मिल सकते हैं, लेकिन लगाया कहाँ गया? लेह में। चल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सांभर लेक इज लोकेटेड? किस राज्य में सांभर झील स्थित है? तो आप जानते ही हैं, देश का नमक सांभर नमक, तो नमक और ये सब के लिए कहाँ चले हम? बताइए, सांभर नमक कहाँ? राजस्थान। वैसे नमक में सबसे ज्यादा आगे कौन सा है? राजस्थान, गुजरात है। विश्व में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन में कौन सा देश? तो हमने बताया था चीन। हु इज द ऑथर ऑफ द माई मास्टर? माई मास्टर बुक के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन रॉय, श्री अरबिंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर। किसके द्वारा लिखा गया है माई मास्टर? तो आप जानते हैं ये एक इंग्लिश बुक है जिसमें विवेकानंद के द्वारा जो इंग्लैंड और न्यूयॉर्क में जो उन्होंने स्पीच दिए हैं उसके बारे में जिक्र किया गया। 1901 में ये प्रकाशित किया गया था और ये अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जिक्र करते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज सबिस्तान कोर्डा एसोसिएटेड? सबिस्टियन कोर्डा निम्नलिखित में से किस खेल से रिलेटेड है? क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और टेनिस। किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से, बैडमिंटन से, वॉलीबॉल से, टेनिस से। अब देखो, ये एक अमेरिकन प्लेयर है, अभी अपने फील्ड में नंबर 1 पे चल रहे हैं, इसलिए हमारे लिए एग्जाम का क्वेश्चन बन गया। तो किसे है? टेनिस से।
हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द बुक द ग्रेट इंडियन नोवेल, द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई बताइए। अब देखो ये कितनी पुरानी बुक, 1989 का बुक है, जिसमें महाभारत के मुद्दों को थोड़ा बहुत जिक्र किया गया, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र किया गया। तो इस तरीके के व्यंगात्मक बुक कौन लिखता है, तो ये सब शशि थरूर जी ही लिखते हैं। और वैसे भी हमने सीखा था कि कोई बुक आए और शशि थरूर ऑप्शन में हो तो 99% आंसर वही हो जाएगा। मालाबार 2020 एक नोबेल एक्सरसाइज होता है जो नवंबर 2020 में हुआ, किन देशों के बीच में होता है या कितने देशों के बीच में होता है? 2, 4, 3, 1 बताइए किसके किसके बीच में किया जाता है। आप जानते हैं कि इस बार हमने कहा यूएसए, तो कौन कौन से देश साथियों? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इन चार देशों के द्वारा क्वाड के नाम से हम इनको जान रहे हैं पार्टिसिपेट किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड एंड द रेट फ्लो ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग इन द पाइप, पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति को और मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर, क्रायोमीटर, वेंचुरीमीटर, मैकमीटर। मैक आप जानते हैं, ओडोमीटर भी जानते हैं, क्रायो भी जानते होंगे, तो बच क्या गया साथियों? वेंचुरीमीटर। चल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द इंडिया फर्स्ट पोलिनेटर पार्क इज लोकेटेड, भारत का पहला परागकण पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला पार्क जहां पर तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों के 40 से अधिक प्रजातियों को इकट्ठा करके और वहां पर पोलिनाइजेशन का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसा कहां पे होगा? तो फ्लावर वैली, उत्तराखंड, नैनीताल में। चल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल रूल व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज ऑफ अबवाब, मुगल शासन के संदर्भ में अबवाब वर्ड किसके लिए यूज किया जाता था? ऑप्शन है स्क्राइब ऑफ द एक्सक्यूसर या सरकारी खजाने का मुंशी, कोर्ट क्लाउन, दरबार का विदूषक, द टैक्स लिवाइड बाय द लैंड ओवर द एबव द बेसिक रेंट एंड अवार्ड द गुड गवर्नेंस। तो कह रहे हैं चार हैं ऑप्शन, आपने बताना है किसके लिए यूज किया जाता था। तो आप जानते हैं कि हमने पढ़ा भी और पढ़ते भी रहते हैं, अब आप जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं? टैक्स के लिए यूज करते हैं। तो टैक्स वाला कौन सा है यहां पर? सी, चराई, चराई कर, सिंचाई कर, घराई कर, ये सारा का सारा इसका एग्जाम्पल है। द चालुक्य डायनेस्टी वाज द मेजर किंगडम इन द, चालुक्य कहां पर शासन करते थे याद करो, तो हमने देखा कि दक्कन, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा है वहां पर पुलकेशिन दिस्ती जैसे शासकों के लिए फेमस भी रहा है, तो ये किधर चला जाएगा? ये हमारे भारत के साउदर्न पार्ट में, कर्नाटक दक्कन वाला हिस्सा, दक्षिण हिस्सा में। अब ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यू गाइडलाइन फॉर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड यूजर गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2020, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अक्टूबर 2020 में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के उपभोक्ताओं के लिए क्या नियम नहीं दिए गए, यह आपको बताना है। पहला, ऑल न्यू क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट विल बी ओनली इनेबल फॉर द डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन एट ATM एंड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, बैंकों के द्वारा जारी किए गए सभी नए क्रेडिट और डेबिट कार्ड केवल ATM और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों पर घरेलू लेन देन के लिए सक्षम होंगे। सही बात है। द RBI हैज आस्क्ड ऑल बैंक टू डिसेबल ऑनलाइन पेमेंट फॉर द ऑल दोज डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड विच हैव नेवर बीन यूज्ड फॉर ऑनलाइन कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन, RBI ने सभी बैंकों को उन सभी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्डों को ऑनलाइन भुगतान अक्षम करने के लिए कहा है जिनका उपयोग कभी भी ऑनलाइन या संपर्क रहित के लिए नहीं किया गया। ये भी सही बात है कि आप यूज नहीं करते हैं तो खत्म करो इनको। द RBI सेड द डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड यूजर फ्रॉम नाउ और अलॉटेड टू सेटअप देयर ऑन ट्रांजेक्शन लिमिट,
कि आप अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अपने लिमिट को निर्धारित करने की अनुमति दे दी गई, ये भी सही है। नन ऑफ द कार्ड यूजर विल हैव ऑप्शन टू ओपीटी इन एंड ऑप्ट आउट सर्विस ऑन देयर क्रेडिट डेबिट कार्ड। किसी भी कार्ड उपभोक्ता के पास अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर सेवाओं को ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करने का विकल्प नहीं होगा, तो ये गलत है। ऑप्ट मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के पास ये विकल्प है कि वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी बार इस्तेमाल करेंगे, कितनी बार नहीं इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने का प्रयास नहीं है, तो ये गलत है, बाकी सारा सही है। तो ये अपने आप में एक टिपिकल क्वेश्चन है, हम उम्मीद नहीं करेंगे कि SSC का बच्चा इस तरह के क्वेश्चन कर पाए, तो कुछ क्वेश्चन तो आप देख के डर ही जाओगे। एज पर सॉइल ऑफ इंडिया नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड प्लानिंग रिपोर्ट पब्लिकेशन नंबर 94, विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट अबंडेबली अवेलेबल। भारतीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो और भूमि उपयोग योजना के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी है, बताइए। क्या आप इस तरीके की कैटेगरी के लिए तैयार हैं पढ़ने के लिए? जब ऐसे पढ़ाता हूं तो आपको तो सर ऐसे थोड़ी ना आता, आप तो रेड और ब्लू और ब्लैक सॉइल पढ़ाओ, देख लो। तो एंटीसेप्टिसोल सबसे अधिक पाया जाता है, जो सबसे नए प्रकार का मिट्टी होता है, जो सबसे अधिक मात्रा में भारत में, भारत के लगभग 22% हिस्सों में ये। हु इज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश एज ऑफ जून 2020? जून 2020 तक बांग्लादेश का उच्चायुक्त कौन था, तो ये छोड़ दो, कोई लॉजिक नहीं है, रीवा गांगुली दास थी। हु अमंग द फॉलोइंग वन द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स 57 कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप हेल्ड इन द साइबेरिया इन दिसंबर 2020? किसने जीता था, तो ये भी अब हमारे काम का नहीं है। आंसू मलिक वॉज द राइट आंसर। GIMP इज एन, GIMP क्या है बताना चाहिए आपको, तो आप जानते हैं कि लिनक्स, OS X, विंडोज, ये सारे के सारे क्या हैं साथियों, ये हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, और वो किसकी मदद से कार्य कर रहे हैं, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, GIMP। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द काइट फ्लाइंग फेस्टिवल अक्रॉस द इंडिया। कब हम भारत में पतंगबाजी का उत्सव मनाते हैं, याद करिए, मोदी जी और सलमान खान एक साथ पतंगबाजी कर रहे थे, तो होली, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी और मकर संक्रांति, तो कब साथियों, तो हम सब बचपन से मनाते चले आ रहे हैं मकर संक्रांति वाले दिन। इन विच फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ आर द ब्लॉक्स एंड अदर कैटल्स यूज फॉर द एग्रीकल्चर वर्शिप्ड। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में कृषि के उपयोग के लिए किए जाने वाले बैलों और अन्य मवेशियों की पूजा की जाती है, बताइए कौन से त्यौहार में हम कृषि के उपयोग में आने वाले जानवरों का उपयोग पूजा पाठ करते हैं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, तो इट इज द पोला फेस्टिवल, जब वो अपने बैलों को सजाते हैं, पूजा करते हैं। यह अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्ज बीन शेप्ड लिम्फोइड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। अब ये तो कर ही लो गया, कौन सा मानव शरीर में बीन आकार का पाया जाता है, थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड और टॉन्सिल, बताइए तो कौन सा पाते हैं साथियों, स्प्लीन, स्प्लीन आप जानते हैं किस लिए यूज करते हैं, हम रेड RBC के लिए। चलिए, बग इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ट्रेबल्स द वेब लोकेटिंग एंड इंडेक्सिंग वेबसाइट फॉर द सर्च इंजन। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेब खोज इंजनों के लिए सर्च और लोकेटिंग इंडेक्सिंग का कार्य करता है। बग, स्पाइडर, पाइथन और पेंगुइन, तो ये कौन करेगा सर्चिंग, लोकेटिंग और इंडेक्सिंग, दैट इज द स्पाइडर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेराइटी ऑफ ऑयल सीड्स, निम्नलिखित में से कौन तिलहन की एक किस्म है? तारा मेरा, अरेबिक, रोबस्टा और लिबेरिक। अब देखिए, ये अपने आप में एक टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है कि यदि हम कैटेगराइज करने लगे कि कौन सा ग्रेन का कौन कौन से टाइप्स हैं, तो ये अपने आप में हम उम्मीद नहीं करते हैं कि आप इस तरीके के क्वेश्चन कर पाएंगे। सच बताएं तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ाते भी नहीं हैं आपको, और ना पढ़ाए जा सकते हैं। Which of the following article of Constitution of India state that the president or the governor or Raj Pramukh of a state shall not answerable to any court for the exercise and the performance of the power and duties of his office? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यवाही के लिए किसी भी कोर्ट में जवाबदेह नहीं है? आर्टिकल 369, आर्टिकल 361, आर्टिकल 384, आर्टिकल 352। तो आर्टिकल 361 कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने किए गए कर्तव्यों के लिए किसी भी कोर्ट में जवाबदेह नहीं है, किसी भी कोर्ट में उनसे कोई जवाबदेही नहीं बनती है। चल, व्हाट इज द रेट एट विच वेव्स मूव थ्रू वाटर एंड इट्स मेजर्ड इट्स नॉट्स? वह दर जिस पर एक लहर पानी के माध्यम चलती है और इसे समुद्री मिल में मापा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? वेवलेंथ, वेव क्रस्ट एंड थ्रो, वेव फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड। बताइए किस नाम से जाना जाएगा? हम चाहते हैं कि आप इस प्रश्न का जवाब दें जल्दी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन है, क्या आंसर होगा जल्दी बताएं। ऑप्शन ही चीख चीख के कह रहा है कि हम ही हैं आंसर। तो किससे मेजर करते हैं साथियों? वेव स्पीड, तरंग गति से मेजर किया जाता है। चलिए, फाइनली हमने ये सेशन आज का यहीं पे खत्म कर दिया है। अगले एक दो दिन और हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, फिर तब तक मैं भी अपने आप को मोटिवेट करके थियरी शुरू करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं फिर। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।